सब्सक्राइब करें जॉब सर्च टुडे को, और जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम, आप देख रहे हैं जॉब सर्च टुडे, जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की वीडियो है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैं जो कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या दोस्तों आज का जो न्यूज़ है वो यूजीसी की तरफ से है। यूजीसी ने क्लियर किया है कि अभी कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को अभी फी स्टूडेंट्स को फी के लिए प्रेशर नहीं दे सकते। तो बतौर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके मद्देनज़र आपका एक आर्टिकल आया है, फर्स्ट फूड नाम का एक वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है यूजीसी आस्क यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉट टू फोर्स स्टूडेंट फॉर इंटरमीडिएट पेमेंट ऑफ फीस। मतलब क्लियर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप इस COVID-19 के पेंडेमिक में आप स्टूडेंट्स को फी के लिए प्रेशर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज अर्ज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नॉट टू इंसिस्ट अपॉन इमीडिएट पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी एंड एग्जाम फी। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि अभी से ही अपने स्टूडेंट्स को एक मेल कर चुके हैं कि फ़ी जमा करना ही करना है अगले सेमेस्टर का। तो जब आपको पता है कि सब कुछ बंद है, कुछ काम धाम सब कुछ बंद पड़ा हुआ है इस महामारी के समय, तो फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए UGC ने बहुत ही सख्त और कठोर नियम लगाते हुए, कदम लेते हुए उन्होंने एक बतौर नोटिस जारी कर दिया है। तो उस नोटिस में आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, उन्होंने इस नोटिस में लिखा हुआ है डियर सर मैम, एज यू अवेयर द UGC ऑफ 29th April 2020 इशूड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। द यूनिवर्सिटी हैज बीन एडवाइज प्लान एक्टिविटी इन व्यू ऑफ सेफ्टी। तो इसका बहुत सारा ये पॉइंट है, मैं आपको बस वहाँ बता देता हूँ जहाँ पर ये मेन पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, सेकेंड पैरा के थर्ड या फोर्थ लाइन में आप आ जाइए, वहाँ लिखा हुआ है कि आप थर्ड पैरा के सेकेंड लाइन में आ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आप जो पेमेंट है, इंटरमीडिएट पेमेंट है, एनुअल सेमेस्टर फी, एग्जामिनेशन फी, ETC, उसके लिए आप किसी तरह के आप प्रेशर नहीं दे सकते स्टूडेंट्स पे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाया, अभी उन्होंने अभी से ही सबको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया है, अपने स्टूडेंट्स को मेल करना स्टार्ट कर दिया है कि आप अभी पेमेंट कर दीजिए। मानता हूँ स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स काम उनका काम बंद हो चुका, तो पैसे कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी कुछ दिनों को उनको टाइम देना चाहिए। तो इसी के लिए जिसे ने बहुत ही कठोर सख्त कदम लेते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है। तो देखते हैं कि सारे कॉलेज नोटिस को मानते हैं नहीं मानते हैं, आगे देखने वाली बात है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पे जो प्रेशर है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि UGC ने एक फीडबैक एंड ग्रीवांसेस का एक रजिस्ट्रेशन करके और उन्होंने एक फीडबैक मांगा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमारे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको मद्देनज़र वहाँ पर मेंशन क्लियरली मेंशन आप पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन लॉज देयर स्पेसिफिक ग्रीवांसेस कंसर्न और द फीडबैक। तो फीडबैक वगैरह स्टूडेंट्स ने दिए थे, उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पूरा ही एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप स्टूडेंट्स से अभी फ़ी नहीं ले सकते हैं जब तक ये शांत नहीं हो जाता है। तो ऐसा वो तो ठीक है, कॉलेज को मानता हूँ कि कॉलेजेस को अपने टीचर्स को पेमेंट करना है, लेकिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनके भी बहुत सारे जॉब चले गए हैं, तो उसको भी देखते हुए स्टूडेंट्स को कुछ मर्सी देनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपका क्या विचार है इस पर, आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं मुझे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसी न्यूज़ से अवेयर हो सकें। मिलते हैं किसी ऐसे ही बढ़िया वीडियो में, किसी नए एजुकेशन वीडियोज़ के साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।